हे गाइस व्हाट्स अप, तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन हेमोपोटाइसिस एंड हेमाटोमेसिस, राइट। सो क्या क्या डिफरेंस होता है हेमोपोटाइसिस में और हेमाटोमेसिस में। तो हेमोपोटाइसिस मतलब जानते ही हो कि यार, हेमाटोमेसिस जानते ही हो। हेमाटोमेसिस मतलब होता क्या है, ये कफ में तुम्हारा ब्लड आ रहा है, एनी अमाउंट ऑफ कफ में अगर ब्लड आ रहा है तो उसी को कहेंगे हेमोपोटाइसिस। हेमाटोमेसिस में क्या होता है, बेसिकली वॉमिटिंग होती है, किसमें कफ ब्लड ऑफ मतलब कि वॉमिटिंग में ब्लड आना, ठीक है। हेमाटोमेसिस, हेमेसिस मतलब वॉमिटिंग, तो हेमेसिस कर रहा है तो हिमाट मतलब ब्लड और हेमेसिस मतलब वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग में ब्लड आना, ठीक है, वही चीज़ है। तो कॉजेस क्या हो सकते हैं हेमाटाइसिस के, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग कैंसर की, जो ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शंस हो गया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस या निमोनिया या ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, लंग कैंसर वगैरह, इन सब केसेस में तुम्हारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस वगैरह में तो तुम्हारे हेमाटाइसिस हो सकता है। हेमाटोमेसिस कब होगा, कोई GI प्रॉब्लम हो गई, सच एज स्टमक कैंसर, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, लिवर फेलियर, द यूज ऑफ एनसीड्स, अल्कोहल, ठीक, कैन ऑल्सो कॉज ब्लीडिंग इन द स्टमक, राइट। तो कोई भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, जैसे कि स्टमक कैंसर, किसी को स्टमक कैंसर हो गया, गैस्ट्राइटिस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो रहा है किसी को, ऑब्वियसली पेप्टिक अल्सर हो गया, लिवर फेलियर हो गया, राइट, द यूज़ ऑफ एनसाइड्स खा रहा है वो बंदा खूब स्टेरॉइड्स ले रहा है, ठीक है ना, तो उसके खास से स्टेरॉइड्स टाइप फाइव, अगर तुम मॉडिफाइड जॉनसन क्राइटेरिया के टाइप फाइव वाले पेप्टिक अल्सर के जाओगे तो एनसाइड से तुम्हारा एक तरीके का डिफ्यूज़ तुम्हारा पेप्टिक अल्सर होगा, राइट। और अल्कोहल जो है कैन ऑल्सो कॉज ब्लीडिंग इन द स्टमक, अल्कोहल भी जो है ब्लीडिंग करा सकता है स्टमक में, राइट। अपीयरेंस ऑफ ब्लड, कैसा ब्लड दिखेगा, फ्रोमी एंड ब्राइट रेड ब्लड दिखेगा इसमें हेमाटाइसिस में, मतलब खांसते हो तो ऑब्वियसली एयर होगी तो उसमें फ्रोमी एंड ब्राइट रेड कलर दिखेगा। हेमाटोमेसिस में तुम्हें कॉफ़ी ग्राउंड और ब्राइट रेड कलर दिखेगा, क्यों, क्योंकि जो तुम्हारा ब्लड होता है हीमोग्लोबिन होता है वो एसिड के कंटेंट के कारण हेमाटिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कॉफ़ी ग्राउंड इन कलर होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से HCl के रिएक्शन के कारण से, जो कि फ्रेश ब्लड में HCl का रिएक्शन हुआ तो हेमाटिन का फॉर्मेशन हो गया, तो उसी से कारण से क्या होता है तुम्हारा कॉफ़ी ग्राउंड या ब्राइट रेड कलर हो जाता है। डायग्नोसिस इसका कैसे करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करा दो, ठीक है ना, फिजिकल एग्जाम कर दो, चेस्ट एक्सरे कर दो, इसका CT स्कैन, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हो, ठीक है, किसी मान लिया फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है ना, चेस्ट एक्सरे जो कराना था करा लिया तुमने, अपना CT स्कैन कराना था करा लिया, ब्रोंकोस्कोपी करा ली, ठीक है ना, तो उसके कारण से तुम्हें जो भी फाइंडिंग्स मिलते हैं, जैसे फिजिकल एग्जाम पे एग्जामिनेशन पे मान लो किसी का तुम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, ठीक है, चेस्ट एक्सरे ले रहे हो किसी का, ठीक है, CT स्कैन करा रहे हो, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, हेमाटाइसिस का पता लग जाएगा, ठीक है। और हेमाटोमेसिस में डायग्नोसिस कैसे करोगे, फिजिकल एग्जामिनेशन वही कर लिया, पेशेंट की हिस्ट्री लोगे, ईसोफेगो गैस्ट्रोनोस्कोपी करोगे, जाके उसमें स्कोपी कर दोगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की हिस्ट्री से, ठीक है, ये सबसे पता लग जाएगा। ट्रीटमेंट से क्या कैसे करना है इसमें हेमाटाइसिस में, बेसिकली ब्लड वेसल का इम्बोलाइजेशन कर दो, जो भी ब्लड वेसल कॉज करे, स्टेरॉइड खाना मतलब बंद कर दो, और स्टेरॉइड मतलब चला दो, मतलब बंदे को स्टेरॉइड्स दो उस बंदे को, और एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है ना, तो उससे भी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी, ठीक है, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ब्लड वेसल का इम्बोलाइजेशन कर दो। बाकी हेमाटोमेसिस में क्या कर सकते हैं, हेमाटोमेसिस में इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी कर दो, जहाँ से वॉमिटिंग आ रही है वहाँ के जो ब्लड वेसल में है स्क्लेरोथेरेपी एजेंट्स डाल दो, और एंडोस्कोपिक बैंडलाइजेशन कर सकते हो, जाके वहाँ पे एंडोस्कोपिकली जाके बैंड लगा सकते हो, जिसको क्या कहते हैं, एंडोस्कोपिक बैंडलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बात रही कुछ हेमाटाइसिस और हेमाटोमेसिस के डिफरेंसेस के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।